वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक के परस्पेक्टिव से देखें तो इक्विटी सिक्योरिटीज तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एंड इक्विटी तीन चीज़ें आपकी, जो चीज़ फाइनेंशियल एसेट होगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगी, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इक्विटी सिक्योरिटीज तो होती ही हैं, तो इन्होंने नॉट पूछा है, जबकि ये है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, इन्हें हम डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज दोनों हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कॉन्ट्रैक्ट करंटली हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी शामिल है। इसी तरह जो करेंसी के स्वैप एग्रीमेंट हैं वो भी डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वन ऑफ द मेजर टाइप है, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी क्लैरिटी ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि कमोडिटी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपने एक्चुअली परफॉर्म करने हो तो फिर ये आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने इनमें सेटलमेंट जो रेट के हिसाब से नेट पर करनी हो तो वो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन इट वुड बिकम अ डेरिवेटिव, तो फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी होगा। तो अगर ये कम्युनिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्चुअली परफॉर्म करना है, इन दैट केस इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बाकी तीन तो कन्फर्म है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इस फोर्थ के अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर ये लास्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।